अब हम GIT स्टार्ट करेंगे। GIT में स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एक्सेसरी ऑर्गन, सारे डेवलपमेंटल आउट ग्रोथ होते हैं ऑर्गन के। नोट करें कि ये सिर्फ इंटायरली डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है जो रन करता है माउथ टू एनस। इंटीरियर एंड ईसोफेगस का इंक्लूड यहाँ पे है क्योंकि इसकी जनरल रिलेशन टू द एब्डोमेन। ईसोफेगस एक मस्कुलर कोलेप्सिबल ट्यूब है, 10 इंचेस लॉन्ग है और ये ज्वाइन करेगी फेरेंस को स्टमक पर। ग्रेटर पार्ट ईसोफेगस का लाया करता है विद इन द थोरेक्स और ईसोफेगस एंटर करेगी ओपनिंग इन द राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम से इनटू द स्टमक। 0.5 इंचेस इसका कोर्स है और एंटर करेगी स्टमक को राइट साइड पे। ईसोफेगस के अगर हम रिलेशंस देखें तो इसके एंटीरियरली पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लिवर इसके आगे है एंड पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम भी। लेफ्ट और राइट वेगा इसे लाई करती है इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्फेसिस पे। ब्लड सप्लाई देखें अगर तो इसको स्टमक को लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से ब्लड सप्लाई है और इसी तरह लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन्स जो कि ट्राइब्यूटरी होती है पोर्टल वेन की उसमें ये ड्रेन करेगा। लिम्फ नोड जो होते हैं ये लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड की आर्टरीज के पास ही होते हैं। नर्व सप्लाई एंटीरियर और पोस्टीरियर वेगा या गैस्ट्रिक नर्व्स और सिंपैथेटिक ब्रांचेस ऑफ द थोरेसिक पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक ट्रंक। इसका फंक्शन क्या है ईसोफेगस का, ये कंडक्ट करता है फूड को फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू द स्टमक। वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन मस्कुलर कोट की इसको पेरिस्टाइलिस कहेंगे, ये प्रोपेल करेगा फूड को ऑनवर्ड। गैस्ट्रो ईसोफेगस स्फिंक्टर क्या है, कोई एनाटॉमी स्फिंक्टर एग्जिस्ट नहीं करता लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस के, जबकि सर्कुलर लेयर स्मूथ मसल की इस रीजन में सर्व करती है एज अ फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर। फूड जो डिसेंड करता है ईसोफेगस द रिलैक्सेशन ऑफ द मसल एट द लोअर एंड होती है अहेड ऑफ द पेरिस्टाल्टिक वेव ताकि फूड एंटर करे स्टमक में। टोनिक कॉन्ट्रैक्शन इस स्फिंक्टर की प्रिवेंट करती है स्टमक के कंटेंट को फ्रॉम रीगर्जिटेटिंग इनटू द ईसोफेगस। और ये क्लोयर स्फिंक्टर का वेगल कंट्रोल होता है और ये ऑगमेंट होता है बाय हार्मोन गैस्ट्रिन से और रिड्यूस होता है इन रिस्पॉन्स टू द सिक्रीटिन कोलसिस्टोकाइनिन एंड ग्लूकागोन।